इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी तक जो आपने पढ़ा वो कस्टम फॉर्मेटिंग था या नॉर्मल फॉर्मेटिंग था, मतलब कि आपने आपने जब भी इसमें कुछ ऐसा करना चाहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा ध्यान ये होता कि आप जब भी फॉर्मेट करना चाहेंगे तो फॉर्मेट जो है बाय डिफॉल्ट नहीं, अपने हिसाब से फॉर्मेट आप करना चाहेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बॉर्डर हटा देता हूँ, इसका पहले से जो कलर था वो कलर में दो कलर कर दिया और इसको रेड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। लेकिन फॉर्मेटिंग के जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ड्यूरेशन अगर मोर देन 10 आवर्स, ड्यूरेशन अगर मोर देन 10 आवर्स है तो इसकी बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाए, कलर हो जाए। अब बात आती है कि हम हाईलाइट या कलर करेंगे क्यों। जब आप किसी को रिपोर्ट अपना देंगे और कुछ जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को आप चाहते हैं कि वो पहले देखें, राइट, आप चाहते हैं कि वो फीचर्स को देखें तो उसको खोजना ना पड़े या चेक ना करना पड़े, तो उसके लिए यहाँ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स में आते हैं। कैसे कैटेगरीज है, वन बाई वन चलते हैं। हाईलाइट सेल्स, यहां पे सबसे पहला आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब कि यहां पे बाय डिफॉल्ट नंबर आता है, लेकिन मैं चाहता हूं ग्रेटर देन 10 आवर, या मान लीजिए मैं 20 कर देता हूं, 20 आवर। अब यहां पे एक डिफॉल्ट कलर आपके सामने आ गया, राइट। अब यहां से हम अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं कि येलो, ग्रीन, राइट रेड, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, लेकिन ये सब चीज मेरे हिसाब से नहीं। तो यहां हम कस्टम बॉर्डर पे आएंगे। कस्टम बॉर्डर पे हम यहां आएंगे और यहां फिल पे आएंगे। फिल पे हम अपने हिसाब से जो कलर चाहिए वो कलर चूज कर लेते हैं, या जो फॉर्मेटिंग से बॉर्डर चाहिए, फॉन्ट चाहिए, नंबर चाहिए, उस तरह की फॉर्मेटिंग को हम यहां सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और हमारा देखिए कलर आपके सामने हो गया, और ये कलर फिक्स नहीं है, ये आपके सेल वैल्यू से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अगर 18 कर दिया तो आपकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, अगर मैं यहाँ पे 30 कर दिया तो वापस फॉर्मेटिंग अप्लीकेबल हो जाएगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाफ पे आपके सेल को फॉर्मेट करना या हाईलाइट करना। तो इसके कंडीशंस आपको समझा देता हूं क्या क्या है। तो इसमें आपको आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स है पहला, दूसरा टॉप बॉटम है, डेटा बार है, कलर्स के एंड आइकन सेट्स है। तो चलिए वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। हाईलाइट में आपके पास तीन है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। मतलब किसी नंबर से बड़ा हो तो हाईलाइट हो जाए, कोई नंबर से बड़ा हो तो हाईलाइट हो जाए, या कोई नंबर से छोटा हो तो हाईलाइट हो जाए, या दो नंबर के बीच की जो वैल्यू हो, जैसे मैं यहाँ पे 15 to 50 करना चाहता हूँ तो आपका हाईलाइट। अगर आप सब में अपने हिसाब से अपनी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, हर बार बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आपका बिटवीन हो गया, तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में आप तीन चीजें डाल सकते हो, पहला नंबर्स, दूसरा डेट और तीसरा टाइम। मतलब डेट, जैसे आपके सामने डेट है तो आप यहां पर दे सकते हैं कि किसी डेट से बड़ा, जैसे मैं चाहता हूं कि 5 जनवरी से बड़े को हाईलाइट करें, तो यहां पे 5 और यहां पे हमने जैन लिख दिया, तो देखिए यहां हाईलाइट हो गया। एक करेंट ईयर है, अगर मान लें प्रीवियस ईयर है या फिर फ्यूचर ईयर है तो आप यहां पे उसका ईयर भी लिखना पड़ेगा।
और उसके बाद यहां हम आते हैं, इस तरह से लेस देन में और बिटवीन में भी इस तरह से लेट डेट आप दे सकते हो कि मुझे एक से पांच तक का हाईलाइट करना है, एक जैन, और यहां पे मैंने बोला कि मुझे पांच जैन तक को हाईलाइट करना है, तो डेट आपका हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे टाइम भी आप डाल सकते हैं, बट इक्वल टू में एग्जैक्ट सेल वैल्यू, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो डेट हो या टेक्स्ट हो, आप दे सकते हैं इक्वल टू। और मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे 10 को हाईलाइट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एस्केप कर दे रहा हूँ, अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा मत समझिए सिर्फ दिखाता है, बाद में रहता नहीं है। ओके करने के बाद ये हमेशा के लिए रहता है, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि मैं अगला कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ देखिए 10 हाईलाइट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए मुझे अगर टीवी को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू में टीवी सेलेक्ट कर लूंगा, आपका टीवी हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे अगर कोई पर्टिकुलर डेट, जैसे मुझे 4 जनवरी को हाईलाइट करना है, तो इक्वल टू में मैं यहाँ पे 4 जैन लिखूंगा, सॉरी 4 जैन, तो आपका देखिए 4 जैन हाईलाइट हो गया। ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट सेल वैल्यू में दिक्कत हो जाती है। जैसे ये देखिए नेम में पूजा है और यहाँ पे पूजा सिंह है। अगर मैं यहाँ गया टेक्स्ट में इक्वल टू में, अगर मैंने पूजा को लिखा तो पूजा सिंह हाईलाइट नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि पूजा होना चाहिए, चाहे पूजा हो या पूजा सिंह हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आता अगला ऑप्शन टेक्स्ट दैट कंटेन, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां पे हम पूजा डाल देते हैं। तो जो पूजा हो या पूजा सिंह हो, इसलिए दोनों को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो कंटेन एक कंट्रोल एफ की तरह काम करता है, जो वर्ड आप ढूंढना चाह रहे हो वो वर्ड उसमें होना चाहिए, वो हाईलाइट कर देगा आपको। उसके बाद यहां आगे बढ़ते हैं, यहां पे डेट ऑफरिंग, मैं एक बार डेट यहाँ चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मई का ही डेट कर देता हूँ। अब मान लीजिए डेट की बात हो, तो यहाँ पे एक ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन या इक्वल टू में जो हमने डेट डाला वो तो फिक्स था ना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं चाहूँ कि इन फ्यूचर में मेरा डेट अलग अलग हो, ठीक है। और यह सिस्टम डिसकनेक्टेड, मैं चाहता हूं कि मैं हाईलाइट करूं कि मैं सिस्टम डेट जो जिसमें मैच करता है उससे हाईलाइट करूं, और सिस्टम डेट के साथ कनेक्टेड हो और हर बार जो है इस सिस्टम डेट के साथ चेंज भी होता रहे, तो डेट ऑफरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने स्टडे कर दिया तो जो कल की डेट था वो यहाँ आप देख रहे हैं हाईलाइटेड है, उसने टुडे का डेट यहाँ हाईलाइटेड है, इन द लास्ट 7 डेज, इन द नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, ये आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड होगा। और जब भी ये चेंज होगा, जब भी ये होगा, मतलब कि सिस्टम डेट चेंज होगा तो यहाँ आपकी फॉर्मेटिंग में चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि टुडे कर दिया तो आज की डेट 6 तारीख है, कल आप इस फाइल को खोलेंगे तो ये 7 तारीख हाईलाइटेड होगा। ओके, अगर हम ये फॉर्मूला इसमें लगा के स्टाइल लगा के रख देते हैं इस शीट पे कि जो सिस्टम डेट है, जो टुडे है, उस डेट का ही हाईलाइट हो, तो जिस भी डेट पे हम इसे ओपन करेंगे वो उस डेट में हाईलाइटेड रहेगा, राइट? हाँ, राइट।
तो ये डेट यहाँ पे आपका डेट ऑफरिंग था। दूसरा इफ रिकॉर्ड रिकॉर्ड अगर आया है तो हाईलाइट करेगा, नहीं आया है तो फिर ये बैक डेट रखेगा। नहीं 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 अगर डेट है तो हाईलाइट करेगा, डेट नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, ब्लैंक कुछ हाईलाइट नहीं करेगा। अब अगला आता है हमारे पास डुप्लीकेट। अगर मान लीजिए कि मुझे देखना है कि भाई मेरे इसमें कितने डुप्लीकेट्स नंबर्स हैं सिलेक्टेड एरिया में, तो ये डुप्लीकेट आपको दिखाता है। या फिर मान लीजिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ, मान लीजिए मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर है और मैं यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर टाइप करूँ तो ये हाईलाइट हो जाए मेरा नाम, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हाईलाइट डुप्लीकेट्स हम यहाँ पे लगा देंगे और जैसे मेरा डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री होगी दोनों को हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नहीं दोनों को हाईलाइट ना करे, इसमें से सिर्फ डुप्लीकेट को हाईलाइट करे, जैसे कि इसको हाईलाइट करे इसको ना हाईलाइट करे। मान लीजिए कि अगर हमने कोई अगर एंट्री कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक एंट्री कर दी तो वन को, अब नीचे हमने कहीं भी वन किया तो जो डुप्लीकेट मतलब कि ए डुप्लीकेट है ना तो उसको हाईलाइट करें। तो ये चीजें आपके फॉर्मूला से की जाएगी, ये आपको हम अगली क्लासेस में समझाएंगे, ठीक है। तो अभी आप डेट ऑफरिंग में आपके सामने है ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑफरिंग एंड डुप्लीकेट। तो इनमें कोई डाउट है आपको? नहीं, क्लियर है ना? क्या सुजीत जी? हाँ जी। वैसे थोड़ा सा इससे हटके बात है, जैसे ये ड्यूरेशन वाला कॉलम है इसके आगे हम एक और कॉलम बनाते हैं उसमें भी ड्यूरेशन है और उसमें जो डेटा डाला हुआ है यही सेम डेटा डाला हुआ है। क्या है कि अभी हमने ना पीछे फाइल ऐसे डेवलप कराई थी किसी से, तो अगर वैल्यू इक्वल नहीं है दोनों सेल की, किसी भी दो सेल की वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो रेड हो जाता है उसमें, एक में एक को हमने मास्टर बना लिया था एक को, वो सब इसी में ही आता है। हाँ, अगर दो कॉलम को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हाँ, सेल वैल्यू इक्वल नहीं है तो उसमें एक के अंदर में तो रेड हो जाएगा जी। हाँ, तो वो इसी में आता है। हाँ सर, इसी में आता है। ठीक, कैसे करेंगे सर इसको? जैसे कि दो चीजें हैं, आप अगर पूरे कॉलम देखना चाहते हैं कि इस कॉलम में कोई भी एक वैल्यू अगले कॉलम में मैच कर रहा है तो हाईलाइट हो जाए, या फिर आप सेल लेके चलते कि नहीं ए वन में है बी वन में है, तो दोनों का अलग अलग एक मेथड होता है उसको लेके चलना पड़ता है। मैं बताता हूँ आपको, कॉलम कॉलम वाले अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके सामने एक से होगी, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए वन है और यहाँ पे आपका बी वन है, राइट। मान लीजिए ये आपका डेटा वन है, ये आपका डेटा टू, तो आप सामने सामने करना चाहते हो कि मैंने यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा है, दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हाईलाइट हो जाए। तो हमें इस पे एक पहले पे क्या करना होगा, इक्वल टू पे जाना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा और इसमें जो डॉलर साइन दिख रहा है ना ये डॉलर साइन हटा दीजिए, ठीक है। इक्वल टू इक्वल टू नहीं, इसमें इक्वल टू नॉट इक्वल टू, बराबर ना होता में करना है ना। नहीं तो यहां आपके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहां आपको एक न्यू रूल्स, क्योंकि इसमें अधूरे है इस पर मोर रूल्स में जाना पड़ेगा और यहीं पे आपको नॉट इक्वल टू दिख रहा है, दिख रहा है, और उसमें आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए नॉट इक्वल टू, मतलब कि इसके बराबर नहीं है तो फॉर्मेट में जाएं और रेड कलर कर दें और इसका डॉलर साइन आप हटा दीजिए और सिंगल सेल पे कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और फिर हम इसके ऊपर आएंगे, अगर मान लो दोनों को हाईलाइट करना है तो फिर वापस सेम प्रोसीजर आपको इस पर भी अपनाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ फॉर्मेट सेल में बिटवीन के जगह पे नॉट इक्वल टू और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा और बोलूँगा ऐसा। हालांकि दोनों हाईलाइट करना है तो कर सकते हैं, मतलब एक करना है तो एक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पर डॉलर साइन हटा दिया,
फिर इस फॉर्मेट पेंटर को उठाया और नीचे तक पेंट कर दिया। और फॉर्मेटिंग लगा है क्या? अच्छा ये दो फॉर्मूला आ गया ये दूसरे के ऊपर। अब मैं यहां पे मैं 50 लिखता हूं तो रेड हो गया, और यहां भी 50 है तो फिर दोनों में कलर नहीं हो, ठीक है। यहां पे 60 लिखा हाईलाइटेड है, बट यहां पे 60 लिख दूंगा तो दोनों में कलर नहीं होगा। 20 है, 30 है, ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं? जी आ गया। मतलब कि हमने यहाँ पे मोर रूल्स में, क्योंकि इसमें इसमें जो मोस्टली यूजेज वो है, बट मोर रूल्स में जाएंगे ना तो यहाँ आपको सारा मिल जाएगा, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट बिटवीन, ये सब आता है इसमें। दोनों में एक ही सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके ठीक है। इसमें सारी चीज समझ में आ गई आपको? जी। बात करते हैं, हाँ बात करते हैं हम टॉप 10 की। जैसे कि मान लीजिए कि ये नंबर से, मतलब इसको डेटा को कम कर देता हूँ, नंबर है, मुझे इसमें से टॉप 10 को या टॉप 5 को हाईलाइट करना है, तो यहाँ आप टॉप 10 में आइए, टॉप 10 को लीजिए, जो हाईएस्ट 10 नंबर्स हैं चाहे वो रिपीटेड ही क्यों ना हो, ये आप हाईलाइट होगी। अभी 10 के जगह पे आप चाहो तो 5 कर सकते हो, चाहे तो 3 कर सकते हो, चाहो तो 2 कर सकते हो, या फिर इससे को भी बढ़ा सकते हो। जो हाईएस्ट होगा वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टॉप 10 में यहाँ आपका बॉटम 10 आता है, फिर नीचे से सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन कौन है वो आप यहाँ रख सकते हैं, राइट। और साथ में सुजीत जी, इसमें साथ में क्वांटिटी भी मेंशन आ सकता है, जैसे टॉप 10 है तो कितने आइटम्स हैं टॉप 10? और नहीं, उसके लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसने तो जस्ट आपको कंडीशन दिया ना, आपको जस्ट चेक बता रहा है। अच्छा, इसमें ज्यादा चाहिए तो फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग जस्ट फॉर्मेट करता है ना, रिजल्ट तो ही देता है। जैसे कल हमने बताया था टेक्स्ट फॉर्मूला बताया था ना आपको मैंने, अच्छा कोई कस्टम फॉर्मेट है फॉर्मेट करेगा, आपको ओरिजिनल चाहिए तो आप उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें वो क्वांटिटी जांचने के लिए आप कह रहे हो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भी, जैसे टॉप, अच्छा वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं होता वो? नहीं, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं। अच्छा, आगे बढ़े। इसमें आपका बॉटम है, अभी यहाँ पे देखिए टॉप 10% और यहाँ पे आपका बॉटम 10%, राइट। अब इसमें ए है कि ए आपको परसेंटाइल फॉर्मूले पे चलता है, इसके बारे में आपको हम आगे क्लास में बताएंगे कि परसेंटाइल फॉर्मूला समझाएंगे फिर बताएंगे उसको। अबव एवरेज, अब देखिए मान लीजिए कि आपको इसमें से देखना है कि भाई अच्छा सेल, अच्छा ड्यूरेशन कौन सा है, तो एक बेंचमार्क होगा कि भाई ग्रेटर देन 50, लेस देन 60, ऐसा कुछ हो तो आप कर लेंगे, बट इसमें कोई बेंचमार्क डिफाइन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे इन सबका एवरेज निकालेंगे, एवरेज यहाँ 20 आ गया। अब 20 से ऊपर वाला अच्छा है, उससे नीचे वाला आपका अच्छा नहीं है क्या, तो आप जो मैनुअली एवरेज निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे आप जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉप बटन में यहां देखिए अबव एवरेज है, राइट। अबव एवरेज अगर आप कर देते हैं तो जो एवरेज से ऊपर है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे आपका एवरेज चेंज होगा
जैसे आपका एवरेज चेंज होगा तो कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। वो एवरेज डिसाइड हम ही करेंगे ना, नहीं एवरेज खुद बखुद निकाल लेगा इस सिलेक्टेड डेटा का, इस सिलेक्टेड डेटा का एवरेज वो खुद बखुद निकाल लेगा। तो अबव ऑफ है ना, इसका एवरेज 20 निकला ना सर, 20 से ऊपर आ गया, एवरेज फॉर्मूला लगा देगा। ठीक है, और ऐसे बिलो एवरेज है हमारे पास, एवरेज से नीचे वो उसको हाईलाइट कर देगा, वो एवरेज खुद को कैलकुलेट कैलकुलेट करेगा आपके डेटा के अकॉर्डिंग। अच्छा, टोटल ऑफ डेटा के बाद वो करेगा। ओके, तो ये आपका ये आता है टॉप बटन में। उसके बाद डेटा बार में आते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप मान लीजिए कि 22 जो आपके जो 22 है वो हाईएस्ट में है या लोवेस्ट में है, ये कैसे पता चलेगा जो 22 है आपका हाईएस्ट में है या लोवेस्ट में है, एक पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आप यहां डेटा बार लगा सकते हैं, ये आपको बार दिखा देगा कि हाईएस्ट है या लोवेस्ट। ठीक है, क्लियर है? ये बार अलग अलग कलर पे है, वो आपके इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अच्छा, इसमें जो आप डेटा बार की बात कर रहे हैं, अब कोई इसमें फिगर ऐसी हो मान लो कोई 70 डाल दे, वो तो सेल को क्रॉस कर जाएगी। नहीं, मान लो 70 डालोगे, मैं यहाँ पे 1500 डाल दिया, नहीं तो फिर कंपेयर नहीं होगा ना, फिर वो तो मतलब विजुअली तो कंपेयर के लिए डेटा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। एक डेटा बहुत ही छोटा, एक डेटा बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंपेयरिंग दिक्कत हो जाएगी। मान लो जैसे अभी आपने 28 पे सेल कंप्लीट हो रहा है, 29 पे कंप्लीट हो रहा है, आपने इसमें कहीं 45 डाल दिया, तो उसके पूरा उसके अकॉर्डिंग पूरा जो है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, उस सारा का सारा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जी हाँ जी, वो मैक्सिमम नंबर देख लेता है, निकाल लेता है कि सिलेक्टेड डेटा में मैक्सिमम क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज निकालता है। देखिए ना यहाँ पे, अच्छा मैक्सिमम वाले को पूरा भर देता होगा, बाकी को उसी रेशियो में, उसी रेशियो में। यहाँ देखिए ना, यहाँ पे आपका जो है ना ऑटोमेटिक है यहाँ पे, ठीक है ना, कलर के हिसाब से ये फॉर्मेटिक है, ऑटोमेटिक है, मिनिमम मैक्सिमम आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट है। यहाँ का फिक्स करना चाहे कि नहीं, परसेंटेज होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए, तो ये यहाँ आप करते हैं, ये हम आगे सिखाएंगे आपको। तो डेटा बार में इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी आप अगर अलग में एक तरीके में दिखाऊँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम बार देते हैं, ठीक है, तो देखेंगे कि आप जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ रहा है, जैसे आपका बार भी बढ़ रहा है। उसके बाद इसमें एक कलर स्केल होता है जो कि जस्ट बार की तरह ही काम करती है, रेड टू ग्रीन, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वो ग्रीन होते जा रहा है। ठीक बात, ठीक है, तो ये आपका इसके लिए होता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट समझना है कि क्या होना है, तो उसके लिए आपको आइकन सेट सबसे अच्छा है, मिनिमम मैक्सिमम दिख रहा है आपको सर, मिडल टॉप पर ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे और भी है, जैसे क्वार्टर वन आपका है और क्वार्टर टू आपका है, क्वार्टर वन में 45 सेल है, क्वार्टर टू में 63 सेल है। अब मुझे इनको कंपेयर करना है, तो आइकन सेट में हम यहाँ से देखिए कंपेयर कर सकते हैं। जो ये है ऊपर चला गया, बड़ा है ऊपर चला गया, जो छोटा है वो नीचे आ गया, जैसे चेंज होगा इसमें 85 कर दिया, स्वैप हो जाएगा। तो रिपोर्ट्स वगैरह में इसका यूज हम कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टोटल 3 क्लासेज होगी, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। तो इसमें एडवांस में क्या है, बहुत सारे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम फॉर्मूला की बात करेंगे।
तो कल हम इसकी दूसरी पार्ट पढ़ाएंगे, बट उससे पहले अभी जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं उसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसको यूट्यूब कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो कल की क्लास में हमसे बात कीजिएगा, हमसे सीख लीजिएगा, ओके। किसी को किसी तरह का डाउट है, कुछ पूछना है? ओके क्लियर है, ओके। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय। ओके बाय।